उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल सुरेश ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सुरेश की मौत को लेकर एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बता दें कि सुरेश समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक थे और वो अखिलेश यादव के भी काफी करीबी बताए जाते हैं। अखिलेश के साथ उनकी कई फोटोज भी वायरल होते रहते थे। सुरेश की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी पीट पीट कर हत्या की गई है। उन्होंने सुरेश के साथ अपनी फोटोज शेयर करते हुए लिखा, सपा के प्रचारक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट पीट कर हत्या की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सरकार से अपील है कि वो जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। बता दें कि सुरेश ठाकुर उन्नाव जिले के सोहरामऊ थाना अंतर्गत चौपाई गांव के रहने वाले थे। सुरेश की पत्नी सरिता ने बताया कि बीते 27 जुलाई को उनके गांव के दो लोगों से विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी। पिटाई से घायल हुए सुरेश के इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। 27 तारीख की घटना थी ये, वहाँ वीडियो बना रहे थे, वो चौकी बन रही है धन्यवाद देने के लिए। मैंने तो बोला भी था कि ठेका ले रखा है सबका, दवा वो लोग आ गए तब तक सिर्फ गाली गलौज करने लगे, वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी में उन्होंने भी गाली गलौज किया, उसी समय उसने वो लाठी मार दिया हाथ में, वो कुछ नहीं बोले चले आए पुलिस के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर 28 तारीख को लौट रहे थे कहीं से, सुबह की बात है, सुबह 5 बजे की, ये लोग हाथ लगा के बैठे थे, दोनों लोग, दोनों भाई थे, रमन सिंह थे और वो उमेश सिंह, ये कुछ नहीं करते बस दूसरों की जमीन हड़पते रहते हैं और पुलिस को बस पैसा देते रहते, तभी तो नहीं रिपोर्ट लिखी गई, अगर जाते रिपोर्ट लिखती, ये कुछ नहीं करते बस खाली, इन्होंने जो है बिना मतलब बिना एमलेस उनको उन पर हमला किया है, कोई मुद्दा नहीं था, अगर कोई मुद्दा होता तो कोई बात थी, हम भी चुप हो जाते कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं था, उनके घर की फोटो नहीं थी, उनकी पर्सनल फोटो नहीं थी, जो उनको ऑब्जेक्शन था, उनको ऑब्जेक्शन था मेरे घर बनने से, वह बन रहा था तभी उन्होंने लेखपाल से शिकायत करी थी बिना मतलब की, और जब पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही कह रही है कि रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ सीओ हसनगंज संतोष सिंह ने बताया है कि सुरेश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ग्राम चौपाई निवासी सुरेश पुत्र सुभाष उम्र करीब 52 वर्ष की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल उन्नाव ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृत्यु का सही कारण जानने हेतु मृतक सुरेश उपरोक्त के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है एवं पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मृत्यु होना पाया गया है। योगी के हमशक्ल सुरेश ठाकुर पहली बार सुर्खियों में तब आए जब 2019 लोकसभा चुनाव के लिए वो नामांकन फाइल करने लखनऊ पहुंच गए। यहां उन्होंने मौलिक अधिकार पार्टी से नामांकन फाइल किया था। लखनऊ में कैंट एरिया में रहने वाले सुरेश ठाकुर एलडीए के स्मारक पार्क में पंप ऑपरेटर की नौकरी करते थे। सुरेश योगी के लुक में नजर आए, इसके बाद सपा में उनकी एंट्री हुई। इसके बाद हुए चुनाव में अखिलेश यादव के साथ सुरेश ठाकुर गोरखपुर तक चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान चार्टर्ड प्लेन से लेकर मंच तक सुरेश की कई फोटोज वायरल हुई। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।